आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल बहुत मजा आया भाई, लाइव में हमने टी शर्ट गिव अवे किया, नए कोर्सेज लॉन्च, बहुत मजा आया। फिलहाल हम भारत और रशिया के संबंधों की बात करेंगे। मिलिट्री मिलिट्री बहुत बात हो रही है, लेकिन क्या आपको पता है भारत और रशिया कितना ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के? चलिए बताते हैं आपको। देखिए, अभी भारत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। भारत यूक्रेन का साथ दे कि रशिया का साथ दे? कहीं ना कहीं भारत को रशिया का साथ देना है, क्योंकि हम काफी हद तक मिलिट्री पे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मिसाइल पे रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अभी भी हैं। अब बात यह है कि रशिया ने हमारा साथ दिया है, पश्चिमी देशों ने दोस्तों हमारा साथ नहीं दिया है। हम पश्चिमी देशों के करीब अभी बहुत ज्यादा आए हैं, ठीक है? तो रशिया का साथ देना तो सही नहीं है। अब आपको पता ही है कि कल यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई, भारत, पाकिस्तान, चाइना ने वोटिंग नहीं की, कंडेम किया लेकिन वोटिंग नहीं की। उसका नतीजा यह हुआ कि अभी खारकीव पे रशिया का कब्जा हो गया है। 6 घंटे दिए हैं इंडियन स्टूडेंट्स को निकलने के लिए। जैसे ही यह खबर आई कि इंडियन स्टूडेंट्स मर गया है वहां पे शेलिंग से, कर्नाटक का स्टूडेंट्स, उसकी मृत्यु होगी, तो रशिया ने 6 घंटे दिए इंडियन स्टूडेंट्स को कि निकल जाओ। तो दोस्त तो दोस्त ही रहता है, लेकिन दोस्तों अब यूक्रेन के साथ जो हो रहा है हम उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, भाई लोग मर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भारत की जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है रशिया के साथ, इट इज क्वाइट टाइम टेस्टेड। लेकिन भारत ने अपनी डिफेंस और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन जो है रशिया से, वो काफी ज्यादा बढ़ाई है। अभी आप समझिए कि 100 में से 70% जो भारत का मिलिट्री आर्सेनल है वो रशिया ओरिजिन। और ध्यान दीजिएगा, इसमें मिसाइल की भी बात कर रहे हैं। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, BR स्टैंड फॉर ब्रह्मपुत्रा एंड MO स्टैंड फॉर मॉस्कोवा। अगर रशिया नहीं होता, हम बनाते मिसाइल बिल्कुल बनाते, जो हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, तो दोस्तों वो एक्सटेंड होता, बनाता लेकिन लेट हो जाता। आज आप समझिए कि भारत पे कोई हमला, भारत इतना ताकतवर क्यों है, यूक्रेन जैसी हालत क्यों नहीं है? वैसे कभी नहीं हो सकती थी, हम हमेशा ही से ताकत है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीजन है न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट, हम न्यूक्लियर पावर है, इसलिए आज किसी की औकात नहीं है, पूरी दुनिया को हमारी बात सुननी होगी। आपको पता है भारत एक सुपर पावर ही उससे कम नहीं है, क्योंकि आज देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भारत से गुहार लगा रहे थे, मोदी जी से बात की, भाई कुछ करो, आपकी बात सुनेंगे पुतिन। तो ये कंडीशन है, पूरा यूरोप, अमेरिका तक भारत से बोल रहा था कि भैया कुछ करो। तो वो इसीलिए है क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत की आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी है। भारत की आर्मी को दोस्तों कोई भी नहीं हरा सकता पूरी दुनिया में। ये इतिहास ऐतिहासिक है, ये हमारा जेनेटिक जीन्स कुछ ऐसे हैं कि वो हारना हमने सीखा ही नहीं, और ये सच है, ठीक है? तो भारत ने अपनी डिफेंस मिलिट्री बहुत ज्यादा कंसोलिडेट की है, और ये रशिया से, रशिया देखिए मॉडर्न इंडिया, ऐतिहासिक संबंध भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंडिया 1947 के बाद से रशिया और भारत, स्पेशली 1970 के बाद से बहुत ज्यादा क्लोज आए हैं। सिपरी की अगर बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बताता है कि भाई डिफेंस के बारे में बताता है किसके पास कितने हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार किसके पास कितने हैं, तो रशिया सबसे इंपॉर्टेंट सप्लायर है डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। आपको पता है टॉप 4 कौन है? अमेरिका 4th नंबर पे है, पहले पे रशिया है, देन फ्रांस, देन इजराइल, देन फ्रांस, फिर आता है अमेरिका। और रशिया से हम 70% अभी S-400 हमने रशिया से खरीदा। तो अभी आप देखिए कि ये जो हमको, देखिए हम कैसे कर दें, जहां यूके ने अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, चाइना ने अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, तो हम कैसे पीछे हट जाएं? मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, तो वहां पे भारत जो है वो खड़ा रहा। भारत ने बोला हम कैसे पीछे, हम नहीं पीछे हटेंगे। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया, साम दाम दंड भेद, हर कोशिश की है भारत ने कि स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाए, और नतीजा ये है दोस्तों कि अब एक के बाद एक फ्लाइट जा रही, कल C-17 वापस आया रात 11 बजे, 200 स्टूडेंट्स को लेकर आया, ये कभी भूलेगा नहीं भारत, समझ रहे हो? तो भारत ने छोड़ा नहीं है। तो यूक्रेन में इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, कल को रशिया के खिलाफ वोटिंग कर दी, एक तो रशिया से तगड़ी दुश्मनी, और आपको क्या लगता है अमेरिका हमारा साथ देगा? अमेरिका बहुत ही मतलबी है भाई, अमेरिका तो यूक्रेन का साथ नहीं दिया यार, यूक्रेन पूरे यूरोप ने, अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया था, है ना? याद मत, जिस दिन पहला दिन युद्ध का शुरू हुआ, दूसरे दिन तक सब अलग थलग, यूक्रेन बिल्कुल अकेला, लेकिन वो तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बहादुरी है जो वापस यूरोपियन देशों को इनके साथ ले आए।
दोस्तों ये शानदार कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं, यूपीएससी अब हम आपका निकलवाएंगे। 5 लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है, आपको टेस्ट सीरीज 1200 सवाल आपको मिलने वाले जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, आपको करेंट अफेयर्स मिलने वाला है और आपको सीसैट मिलने वाला है। आप समझ रहे हो, तो ये क्लासेस आपको मिलने वाली। सीसैट भाई बहुत मुश्किल है, आपको पता है इस कोर्स का दाम क्या है? बहुत बच्चे या कुछ लोगों ने कल तो ये बोल दिया था कि भाई 10-15-20 हजार, ना सिर्फ और सिर्फ 3000, और वो भी 25% लगाइए तो ये 2500-2400 के करीब आ जाएगा। तो 2400 में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए। लाइव क्लासेस जब तक प्री नहीं होता, लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी हफ्ते में 5, इस अभी 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, फिर बाद में हम 2 से 2.5 घंटा बढ़ाएंगे, और उसमें इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे, सवालों को कैसे निकालना है हम ये बताएंगे। ये ऑफर सिर्फ 6 मार्च तक है, 6 मार्च के बाद इस कोर्स में सिग्निफिकेंट हाइक देखने को मिलेगा, तो अभी अवेल कर लो। फिर सीसैट है, सीसैट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आती है, शिव25 कूपन कोड यूज करो, 100+ आवर्स है, ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 में मिलेगा, 1500 में मिलेगा। ये 6 मार्च तक इनॉग्रल ऑफर है, इसके बाद भी आपको इसमें सिग्निफिकेंट हाइक देखने को मिलेगा। सीसैट में बात यह है कि आप वैलिडिटी अपने हिसाब से बढ़वा सकते हो, मिनिमम 6 महीने है, लेकिन जितना चाहे आप बढ़वा सकते हो। ओके, नंबर्स पे कॉल करेगा जो हेल्पलाइन है। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि लाइव वाला ले लो, उसमें सीसैट भी मिल जाएगा, यूपीएससी वालों के लिए फ्री है, ठीक है, जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में बच्चे हैं उनके लिए सब फ्री है। तो अब हम बात करते हैं मेरी अपने टॉपिक पे, तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स। देखिए, मैंने एक लेक्चर लिया था कि भारत किसके साथ जाए, रशिया के साथ जाए, अमेरिका के साथ जाए। प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए कि हम अमेरिका के साथ नहीं जाते, देखिए रशिया के साथ एक रिस्क है, क्योंकि रशिया में अब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन भाई ठीक है, लेकिन रशिया के साथ प्रॉब्लम इसलिए शुरू हो चुकी है कि रशिया में एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। एलेक्सी नवालनी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि सब खड़े हो जाओ रशिया के, व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट। अब दिक्कत यह है कि अगर भारत पूरी तरीके से रशिया का साथ देगा, कहीं रशिया में सरकार बदल गई तो भारत के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वेस्ट अमेरिका और बाकी यूरोपियन नेशन, देखिए आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कल को चाइना भारत पर अटैक कर दे, अभी हम रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली, वैसे तो हम कंडम ही कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं है हमारा, हम न्यूट्रल हमने सब स्टांस बनाया हुआ है, लेकिन वोटिंग तो कर नहीं रहे, प्रेशर है वेस्टर्न नेशन का। तो कल को क्या ये वेस्ट वाले हमको सपोर्ट करेंगे? कल को अमेरिका सपोर्ट करेगा? कल को यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करेंगे? एक और चीज बता दूं, वैसे भी ये नहीं करते हैं, 370 पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, किया था लेकिन ऐसा कोई नहीं, मतलब ज्यादातर नेशंस यही थे कि भाई ठीक है, उस समय रशिया ने सपोर्ट किया था, तो रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो यहां पे आप ये समझिए कि एक तरफ वेस्टर्न नेशंस तो एक साइड है, और हमारा जो हिस्टोरिकल और डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशन है रशिया, वो एक दूसरी साइड है, तो ये ऐतिहासिक बात है। अब आप देखिए इंडिया रशिया डिफेंस टाइज हिस्ट्री आप देख लीजिए, तो सबसे पहले तो भाई ये 1970 से शुरू होता है। भाई 1971 में जो इंडो रशिया ट्रीटी हुई, आपको पता ही है कि पहले जब इंडो बांग्लादेश मतलब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1971 का, तो इंदिरा गांधी गई थी रिचर्ड निक्सन के पास, ठीक है, और यहां पे इंदिरा गांधी ने उनसे मदद मांगी, तो रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, उन्होंने उनको चुड़ैल तक बोल दिया था, ये बाद में सामने आया था, मतलब सामने नहीं बोला था उनको, और रिचर्ड निक्सन ने मदद देने से मना कर दिया। तो फिर उसके बाद इंदिरा गांधी गई रशिया के सोवियत के पास, मतलब इंडो सोवियत ट्रीटी 20 साल के लिए साइन की गई, अगर तुमने इंडिया पे अटैक किया, अमेरिका को चेतावनी थी, तो वो रशिया पे अटैक माना जाएगा, सोवियत पे अटैक माना जाएगा, अमेरिका पीछे हट गया। तो हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसने हमारा हमेशा साथ दिया है। वेस्ट नेशंस भारत बोल बार बार बोलता है परमानेंट मेंबरशिप दे दो, लेकिन क्या वेस्ट नेशन सपोर्ट करते हैं? नहीं। जब पूरी दुनिया ने भारत को अकेले छोड़ दिया था, तो समझिए कि रशिया भारत के साथ था मिसाइल डेवलपमेंट के लिए, तुम्हारी मिसाइल हम आके डेवलप करेंगे, तुमको हम डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, इधर पाकिस्तान है इधर चाइना है, दोनों ही नकारा है, तो हम है तुम्हारे साथ। तो इसीलिए भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो 1970 से ये डिपेंडेंस जो है वो है, और ये बढ़ता जा रहा है। इस समय रशिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, मैंने बताया ना। देखिए 2000 से 2020 तक, इससे पहले तो अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो 85% तो हमारा जो आर्सेनल है एयरफोर्स का, चाहे उसमें प्लेन भी हो, वो रशियंस है, आपको पता है,
उसके बाद 2000 से लेकर 2020 तक 66.5% भारत का जो आर्सेनल जो इंपोर्ट था रशिया 66 लगभग 100 में से 66 जो वेपन के जो हथियार का जखीरा होता है वो रशिया से आता था। अभी जाके ये 50% हुआ है। देखिए भारत खुद से भी बहुत सारी चीजें बना रहा है, आत्मनिर्भर हम बन रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी भी वक्त है, अभी भी हम हथियार जो है वो बाहर से ही मंगा रहे हैं और सबसे बड़ी डील तो S-400। लेकिन अभी हाल ही में देखें तो भारत और रशिया के रिलेशन थोड़े से तनातनी वाले रहे हैं, जहां अमेरिका और भारत क्लोज आए हैं ये आप देख सकते हैं। रशिया जो है वो सबसे ज्यादा 62% तकरीबन 2013 से 2017 तक सबसे ज्यादा आर्म्स जो है वो भारत को भेजता है। सेकेंड नंबर पे मतलब इसमें तो वैसे अभी ये 2017 की बात है, लेकिन 2017 तक फिर अमेरिका था फिर इसराइल था। अभी अगर बात करें ना, अभी अगर बात करें तो भाई इसराइल हो गया दूसरे नंबर पे, फ्रांस हो गया तीसरे नंबर पे और अमेरिका चौथे नंबर पे खिसक गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। उसके बाद फिर 2008 से लेकर 2012 तक भारत का जो आम इंपोर्ट है वो 24% बढ़ा। अब आप बोलेंगे सर देखिए यूरोप में यूरोप की सेना इतनी ताकतवर नहीं है क्योंकि उसको अमेरिका का सपोर्ट है, तो अब आप आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है अच्छा खासा पैसा आपको डिफेंस में देना नहीं है, हथियार खरीदने में देना नहीं है, तो वो पैसा आप डेवलपमेंट में लगाओगे, सिंपल सी बात है। लेकिन भारत को पता है ना कि इधर चाइना है इधर पाकिस्तान है, तो हमको अपनी सेना लगातार तैनात करनी है। 35 लाख दुनिया में सबसे बड़ा सबसे बड़ी सेना हमारी है 35 लाख, उसके बाद चाइना आता है 28 लाख पे। 35 लाख की हमारी सेना है जिसमें 13.5 तो एक्टिव है, 13.5 लाख मतलब अभी हमला कर देंगे, समझ रहे हो? तो इतनी बड़ी सेना है भारत की, तो भारत को मतलब बहुत मुश्किल है भारत की सेना और लीडरशिप, हर बंदा अपने में ही लीडर है। तो आप ये देख सकते हैं भारत और रशिया की जो पाइपलाइन डील है वो, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अकुला क्लास $3 बिलियन की डील साइन की है 2026 तक। अब भारत सबमरीन में चाइना से बहुत ज्यादा पीछे है, हालांकि जब भी भारत चाइना का युद्ध होगा तो उसमें सबमरीन का कोई लेना देना नहीं है, नेवी नेवल अटैक कोई खास होगा नहीं। ठीक है, तो ये 21,000 करोड़ की $3 बिलियन की सबमरीन्स भाई, हमारा जो प्रोग्राम है जैसे 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ठीक है वो उधर फ्रांस से चल रहा है, इधर रशिया से, ये हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए AK-47 सुना है ना, ये AK-203 है। ठीक है, एक बार में 203 गोलियां निकालेंगे बेटा, 12,000 करोड़ की $1.6 बिलियन की ये डील है। ठीक है ना, तो ये समझिए $1 बिलियन में लगभग 7,000 करोड़ को 70 से मल्टीप्लाई, मतलब जितना भी रेट चल रहा है 71 point something है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास होते हैं। तो इसीलिए वो $1 बिलियन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर $1 बिलियन $1 मिलियन आसान है, सिर्फ $1 बिलियन इतना याद रखना कि 7,000 करोड़ के आसपास होते हैं। तो ये 12,000 करोड़ की डील है, ठीक है, $1.6 बिलियन तो ये भारत और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है। अच्छा, इसमें ये भी नहीं कि पूरी तरीके से रशिया इन्वॉल्व है, ज्वाइंट वेंचर है कि आधा हम कर रहे हैं आधा तुम करो और रशिया भी अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कैमोफ KA-226 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, भाई ये बहुत ही शानदार, पहाड़ों पर तो ये वरदान है, ढूंढ ढूंढ के ये मार सकते हैं। तो ये भी इट्स अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड रशियन हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, तो ये भी जो 200 कैमोफ KA-26 है 7,000 करोड़ की डील है, ये 2018 में साइन हुआ था और भारत को ये हेलीकॉप्टर्स भी दिए जाएंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये क्रिवाक क्लास फ्रिगेट्स, ये भी 17,000 करोड़ की डील है, ये गोवा शिपयार्ड में बनाई जाएंगी, 2 गोवा और 2 रशिया में, टोटल 4। उसके बाद MiG-29 एयरफ्रेम्स, आपको पता है ना कि भारत में भारत का जो एयर डिफेंस है वो 85% रशिया का है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 21 मॉथ वॉल्ड MiG-29 एयरफ्रेम्स, देखिए जब तक जनरल वीके सिंह थे बहुत तेजी से काम चल रहा था, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो भी टेंडर अटके पड़े थे ना, इसलिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था दोस्तों। लेकिन तुरंत तुरंत वो टेंडर निकालते थे ये सब क्लियर करो, क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस है ना, चाहे वो आर्मी हो एयरफोर्स हो चाहे वो नेवी हो, वो बोल बोल के थक गया था कि भैया हमको हथियार दे दो, हमारे पास जवानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हथियार तो हमको चाहिए ना। इंडियन एयरफोर्स में भी दोस्तों कमी है एयरप्लेन्स की, एयर फाइटर्स की, तो यहां पे रशिया उसमें भी हमारा साथ दे रहा है। तो ये $800 मिलियन की डील है, लगभग 5600 करोड़, और इसको नेगोशिएट किया जा रहा है। भाई देखो जैसे होता है ना नेगोशिएशन की, भाई इतना कम करो इतना कम करो, वैसे वहां पे भी नेगोशिएशन होता है, बस थोड़ा ऑफिशियल भाषा में होता है, वही है सब मतलब हिसाब किताब। तो 18 एडिशनल सुखोई
जो हमारी जान है एक तरीके से सुखाई M30 आपका, तो ये 700 मिलियन की डील है और इसको भी नेगोशिएट किया जा रहा है। और उसके बाद फिर ये KA-31, तो एक तरीके से रशिया का ऐसा कुछ नहीं बचा है जो हम ना ले रहे हो। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं, अब हम एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सेपरेटली देखते हैं कि भारत कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। ये देखिए, सुखोई 30 ऑर्डर कर दिया, 272, 6 स्क्वाड्रन ऑफ MiG-21 ऑलरेडी, 3 स्क्वाड्रन ऑफ MiG-29 वी हैव, 3 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम ये भी हमारे पास है, MI-17 चॉपर्स, 14 IL-76, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रशियन एसेट्स हमारे पास है। हमारी तो एयरफोर्स 85% ही रशिया पे डिपेंडेंट है, ठीक है, हमने बहुत कुछ रशिया से एक्सपोर्ट। अब ये देखिए, सुखोई 30 MKI जो है, इट हैज एन अवेलेबिलिटी रेशियो ऑफ लेस देन 55%, मतलब 100 में से 55 एयरक्राफ्ट जो हैं, दे आर अवेलेबल फॉर ऑपरेशंस एट एनी गिवन टाइम। तो इसके लिए भी एग्रीमेंट साइन हो रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है। तो आप ये समझिए कि इट इज इंपॉर्टेंट। फिर आप नेवी पे आप देखिए, नेवी पे भी आप देखिए भाई, INS विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर, तरवार क्लास फ्रिगेट्स हो गई, उसके बाद चार और आनी बाकी है, 9 किलो क्लास सबमरीन हो गई। याद रखिएगा, इन सब पे मैंने सेपरेट लेक्चर लिए हुए हैं, तो आप उसमें जरूर देखिएगा, स्कॉर्पिन क्लास, किलो क्लास, ये सब क्या होता है, कैसे काम करते हैं सबमरीन। तो 45 MiG-29K, उसके बाद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पावर्ड सबमरीन INS चक्रा, तो भैया अभी आने वाली है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो ये सारी चीजें जो है वो हम रशिया से ले रहे हैं नेवी के लिए, ठीक है। फर्स्ट सबमरीन फॉक्स ट्रॉट क्लास रशिया से ऑलरेडी हमको मिल गई है, उसके बाद 14 में से 9 वी ऑलरेडी ऑपरेटिंग बाई रशिया एंड, मतलब इंडिया एंड रशिया को ऑपरेट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम पे भारत जो है वो रशिया के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इंडियन नेवी करेंटली ऑपरेट्स रशियन न्यूक्लियर सबमरीन ऑन लीज, INS चक्रा। लीज मतलब जैसे मेरे पास सबमरीन है, मैंने तुमको किराए पे दे दी कि ठीक है कुछ टाइम के लिए तो मुझे इतना पैसा देते रहो, लेकिन वो किराए का तो किराया ही होता है, तो भारत को पूरा चाहिए ना, तो उस पर भी नेगोशिएशंस हो रहा है। तो इसीलिए भाई ये जो सबमरीन है ये बहुत ही जबरदस्त करेगा। उसके बाद फिर इंडियन आर्मी का आप देख लीजिए, 3700 टैंक्स रशिया के खरीद लिए हैं, रशिया के क्या मतलब। उसके बाद 130 BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स रशिया, देन 1600 T-90 टैंक्स, देन 2000 T-72 टैंक्स। अब देखिए, अमेरिका के भी ना प्रोडक्ट पे सवाल उठाए जाते हैं थोड़ा सा है, अमेरिका के प्रोडक्ट एज फ्रूटफुल नहीं है जितना दिखाता है। चाइना तो मेड इन चाइना, आप समझ ही जाओ, चाइना के तो चाइना बेटा हारेगा, अगर चाइना किसी से भी युद्ध लड़ता है ना, वो हारेगा बुरी तरीके से। एक तो चाइना में लीडरशिप की भारी कमी है, मोमोज खाने वाले, चाउमीन खाने वाले कहां से लड़ेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि चाइना की लीडरशिप की कमी, फिर चाइना के जो सिस्टम है ना उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अभी तक वॉर में तो आजमाया ही नहीं है कि उनके एयरक्राफ्ट या उनके जो बाकी वेपन्स है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो डिपेंडेंस है। अब देखिए इंपैक्ट क्या हो रहा है मिलिट्री सप्लाई पे। देखिए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो हैं और जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, ये बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से भारत का जो डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई है वो स्लो डाउन होगा। अमेरिका को फायदा होगा, इससे भी अमेरिका को फायदा होगा, आपको पता है ना, गैस पाइपलाइन बंद अमेरिका देगा, डिफेंस यहां पे बंद अमेरिका देगा। तो अमेरिका हर चीज में, मतलब उसकी तो पांचों उंगलियां घी में है, ठीक है। देयर आर टू मेजर डिफेंस डील्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया दैट माइट बी जियोपार्टाइज बाय द करंट क्राइसिस। स्विफ्ट बैन कर दिया तो भाई प्रॉब्लम तो होगी, खत्म नहीं होगा लेकिन स्लो डाउन होगा, ठीक है, थोड़ा सा धीमे देखनी पड़ेगी। फिर ये तो एयर डिफेंस डील आपको पता ही है, S-400 ये ऑलरेडी हमने साइन करी ली है। अभी अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से सारे S-400 थोड़ी नाम को मिले हैं, ये भी थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद ये मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, S-400 के बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, अब इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, ओके। जॉइंट सबमरीन डेवलपमेंट, देखिए ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, ये थोड़ा खतरे में सैंक्शंस के बाद आ जाएंगी, ठीक है। कन्वेंशन सबमरीन फॉर द नेवी अंडर P-75I प्रोजेक्ट अलोंग विद 4 अदर इंटरनेशनल बिडर्स। इंडिया इज आल्सो इन टॉक्स विद रशिया टू लीज 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन चक्रा 3 एंड चक्रा 4, जो कि 2025 तक रशिया हमको दे देगा। अब भारत अपना वेपन बेस एक्सपैंड कर रहा है, बिल्कुल एक्सपैंड कर रहा है भाई, यही तो दिक्कत है। दिक्कत नहीं, हमारी मजबूरी है, हमको एक्सपैंड करना ही है, क्योंकि चाइना देखा आपने क्या करता रहता है, पाकिस्तान क्या करता रहता है, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हम इसराइल से हथियार खरीद रहे हैं, फ्रांस से हथियार खरीद रहे हैं, रशिया से हथियार खरीद रहे हैं, अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, जहां से हो सकता है हम
हथियार खरीद रहे, खुद भी बना रहे हैं। क्योंकि देखिए यूक्रेन को देखिए ना, अगर यूक्रेन इतना ताकतवर होता तो ऐसा नहीं होता। आपको पता है इसराइल पे क्यों अटैक नहीं कर पाता अरब देश? अरब इतना बड़ा है, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कितना बड़ा है ये अरब पेनिनसुला, ठीक है, गल्फ कंट्रीज। लेकिन क्या इसराइल छोटा सा पिद्दी सा देश उस पर अटैक कर पाता है? क्यों? न्यूक्लियर पावर है वो। जहां इधर अटैक करने आएंगे ना, एक दिन के अंदर अंदर इसराइल साफ कर देगा। इतने बड़े बड़े, इतने जबरदस्त प्लेन है उनके पास। आजकल भाई वो लाठी डंडे तलवार से लड़ाइयां नहीं होती है, बंदूक से, वो सीधा वो इधर तुम लड़ोगे उधर जेट आएगा, एक मिसाइल छोड़ी खेल खत्म। तो ये आगे आने वाले समय का नया वॉरफेयर, और आगे आने वाले समय का और वॉरफेयर होने वाला है, साइबर वॉरफेयर। अब ये वाले वो सिपाही मैदान में नहीं जाने वाले हैं, अब पूरा वॉरफेयर जो है वो बदलने वाला है, ठीक है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, इसीलिए भारत बहुत, जो रशिया है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें दोस्तों, लाइव क्लासेस 6 मार्च को शुरू होंगी, और अभी ये इट इज ऑन डिस्काउंट, सिर्फ और सिर्फ 2300 का ये मिल रहा है, लेकिन 6 मार्च के बाद प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। यूपीएससी इस बार हम आपका निकलवाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।